श्रीलंका के खिलाफ चल रही 3 मैचों की T20 सीरीज में टीम इंडिया को दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका ने टीम के सामने 207 रनों का टारगेट रखा था, लेकिन टीम इंडिया 190 रनों पर ही सिमटती हुई नजर आई और यह मैच उन्हें 16 रनों से हारना पड़ा। हार्दिक पांड्या खासकर इस बात को लेकर परेशान है क्योंकि उनकी कप्तानी के सफल सफर में एक छोटा सा ब्रेकर आ चुका है। पांड्या की कप्तानी में टीम पहली बार किसी मैच में हारी है, लेकिन अभी तीसरा मैच बाकी है जो कि डिसाइडर मैच होगा कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया एक बार फिर से जीत हासिल कर पाएगी या नहीं। खैर, दूसरे मुकाबले में हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या का दर्द छलक पड़ा है। उन्होंने टीम के वीक पॉइंट्स को बताया है, पूरी टीम के लिए भी काफी कुछ चीजें कही हैं, तो वहीं साथ ही साथ उन्होंने सूर्य कुमार यादव की तारीफ भी की है। भाई, इस मैच में उनकी बल्लेबाजी वाकई काबिलियत तारीफ है। आइए सभी चीजों के बारे में अच्छे से जानते हैं, अच्छे से आपको बताते हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। टीम की गेंदबाजी और बल्लेबाजी पर बोले पांड्या, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों के दौरान पावर प्ले ने हमें चोट पहुंचाई। हमने सामान्य गलतियां की जो हमें इस लेवल पर नहीं करनी चाहिए थी। हमें बुनियादी चीजें सीखनी चाहिए जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। आपका दिन खराब हो सकता है, लेकिन बुनियादी बातों से दूर नहीं जाना चाहिए। इस परिस्थिति में यह बहुत कठिन है। इस दूसरे मैच में अगर आपने गौर किया हो तो हमारी टीम इंडिया ने 20 ओवर खेले और टीम श्रीलंका ने 21 ओवर खेले, क्योंकि इस मैच में हमारी तरफ से 7 तो 9 बॉल फेंकी गई, जिससे श्रीलंका को रन स्कोर में फ्री की बढ़त यूं ही मिल गई। जी हां, इस मैच के दौरान अर्शदीप ने 5 नो बॉल डाली, जबकि उमरान मलिक और शिवम मावी ने 1-1 नो बॉल फेंकी। लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि अर्शदीप की 9 बॉल से टीम को कहीं ना कहीं नुकसान तो जरूर पहुंचा है, जिसे लेकर कप्तान पांड्या ने भी कहा। इससे पहले अर्शदीप ने 9 बॉल फेंकी है, यह किसी को दोष देने के बारे में नहीं है, लेकिन 9 बॉल फेंकना अपराध है, यानी क्राइम है। सूर्य के प्रदर्शन को लेकर बोले कप्तान, इस साल की पहली सीरीज में सूर्य कुमार यादव ने पुरानी फॉर्म को बरकरार रखा और साल का अपना पहला 50 भी लगा दिया, जिसे लेकर कप्तान पांड्या ने भी उनके प्रदर्शन को शानदार बताया। वहीं इस मैच में अक्षर पटेल ने दोबारा अपने बल्लेबाजी का दमखम दिखाया। इससे पहले मैच में भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी टीम के लिए दिखाई थी और इस मैच में तो उन्होंने कही है कि कमाल ही कर दिया। खिलाड़ी ने 31 गेंदों पर 65 रन टीम को बनाकर दिए, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा बुरा मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्हें टीम में इसलिए जगह दी गई है क्योंकि रविंद्र जडेजा इंजर्ड है। एशिया कप के बाद से ही उनकी टीम में वापसी नहीं हो सकी है, जिनके बदले अक्षर पटेल को लगातार मौके मिल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इन मौकों की वजह से वो अपनी फॉर्म में वापस आते नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस दिन जडेजा का कमबैक होगा, फिर अक्षर पटेल को खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा। एक और मलाल इस बात का है कि घर में टीम इंडिया श्रीलंका से 11 बार लगातार जीतने के बाद आज हार का सामना करके बैठी है। यानी अब तक 11 बार घरेलू मैच में टीम इंडिया श्रीलंका पर भारी पड़ी थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी डिसाइडर मैच बाकी है। अगर इसमें टीम इंडिया जीत गई तो सीरीज भारत के नाम हो जाएगी और पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया चौथे देश की टीम को हराने में भी कामयाब हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट के लेटेस्ट अपडेट्स और इंफॉर्मेटिव पैकेजेस वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।